बारिश के मौसम में इवनिंग को क्रंची स्नैक्स खाने का बहुत मन करता है। इच बाइट में आपको एक क्रंची फीलिंग और एक क्रिस्पी फीलिंग आए तो मज़ा आ जाता है। तो इसके लिए, ऐसे स्नैक्स बनाने के लिए आपको ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है। तो आप ये ब्रेड क्रम्स कहाँ से लाएंगे? आप मार्केट जाएंगे और मार्केट से ऐसे एक्सपेंसिव वाला ब्रेड क्रम्स ले आएंगे और उसको भरोसा भी नहीं है कि वो मैदा की ब्रेड से भी बनाए होंगे और कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डाले होंगे। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अगर कुछ ब्रेड स्लाइसेस बचे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड स्लाइसेस हैं, वो अगर होल व्हीट ब्रेड से बना हुआ है तो उसी से हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, जो कि बहुत ही क्विक और इंस्टेंट वाला ब्रेड क्रम्स होगा और आप इसको महीने भर रख के इसको खा सकते हैं। बहुत ही सेफ है और बहुत ही ईजी है। तो देर ना करके चलिए शुरू करते हैं। मैंने यह लिया है कुछ ब्रेड स्लाइसेस, होल व्हीट ब्रेड्स हैं, इसका साइड में कट कर रही हूँ। ये जो साइड है ना, उसको मत फेंकिए, ब्रेड उपमा बनाने के लिए बहुत ही इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो बीच वाला है, इसको थोड़े थोड़े स्मॉल साइजेस में ही मैं चॉप कर रही हूँ और इसको ब्लेंडर जार में डाल देंगे। इसको अच्छा पाउडर बना लेंगे, एक फाइन सा पाउडर, देखिए ऐसे पाउडर बनता है वो। और इसको चलते हैं, एक पैन गरम कर लेते हैं। पैन में ये जो मिक्सचर है ना, ब्रेड का मिक्सचर डाल देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में ही रोस्ट करना है, कंटिन्यूसली रोस्ट करना है आपको, बिल्कुल गैप नहीं देना है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होता जाएगा और वो जो ब्रेड है ना, वो थोड़ा श्रिंक होके छोटा साइज में थोड़ा दाने दाने होते रहेंगे। 7 से 10 मिनट तक आपको हाई फ्लेम में ही इसको रोस्ट करना है। थोड़ी देर के बाद ना फील कर सकते हैं इसका मतलब इसका साउंड थोड़ा क्रंची साउंड आता रहेगा जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है, हाथ में ला के आप मसल सकते हैं, वो पूरा टूट जाएगा। इसको ठंडा कर लीजिए थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में। फिर उसके बाद आप ना इसे एक ग्लास जार में डाल के, एयर टाइट कंटेनर में डाल के एटलीस्ट 3 महीने तक तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और ये बहुत ही सेफ होता है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रेड क्रम्स किससे बना है। तो देर किसी बात की, अभी जाइए अपने फेवरेट गर्म गर्म क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाइए और इस बारिश को एंजॉय कीजिए। ऐसे कुछ हेल्दी स्नैक्स बारिश में खाने के लिए मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी जाइए और लेफ्ट और राइट दोनों वीडियो में आप क्लिक करके मेरे सब स्नैक्स को देख सकते हैं और खुद घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं।